शनिवार को जिला महिला अस्पताल परिसर में लगभग 20 करोड़ की लागत से बन रहे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 7 मंजिला अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल के निर्माण कार्यों की जानकारी दी और निर्माण हो रहे समस्त विभागों का भी निरीक्षण कराया। बताते चले कि 7 मंजिला अस्पताल का निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था, जिसे 2017 तक पूरा हो जाना था, लेकिन किन्हीं कारणवश कार्य पूरा नहीं हो सका। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल का निर्माण कार्य अगले 1 महीने में पूरा होने की संभावना है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने कहा, लेकिन लगना ऊपर है क्योंकि बड़ा आया तो फिर उस पर खड़ा होकर तो भी नहीं कर पाए, उसको ऐसे हाथ धोना है और इतना बड़ा सिंक चाहिए कि उसकी ये पानी भी बाहर लगे। हाँ बताएं। हाँ लॉन्ड्री के लिए सर ये एरिया ये सिलेंडर उसी के हैं जी। ओपन होगा नहीं उसके ऊपर सर लॉन्ड्री का हो सकता है। अच्छा इसको ऐसा क्यों किया? ड्राइंग पैराबोला
आपने निरीक्षण किया सर, क्या क्या आपको सुविधा मिली? 100 बेडेड मैटरनिटी हॉस्पिटल है अभी हमारे महिला चिकित्सालय का, और इसको राजकीय निर्माण इकाई बना 7 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें समस्त सुविधाएँ देने की व्यवस्था हो रही है। ऑपरेशन थिएटर, लेक्चर थिएटर, मीटिंग हॉल और बढ़िया वार्ड, SNCU, ये सारी चीज़ें शामिल हो रही हैं। लैब्स के लिए भी इसमें प्रावधान है, जांचों के लिए हर फ्लोर पर लगभग 14 फ्लोर पर जांच के लिए व्यवस्था है। हम और SIC सर के साथ ये निरीक्षण कर रहे थे, निरीक्षण सर की मीटिंग में ये बात होती थी कि आप उसको देखें कब तक हैंड ओवर हो सकता है और क्या कमियाँ हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। अभी हम लोगों ने देखा है टेक्निकल लोग हमारे साथ नहीं थे, यहाँ जो वर्क कर रहे हैं वो साथ ही थे। अभी इसका एक बार बृहद निरीक्षण हम टेक्निकल लोगों के साथ और करेंगे, कुछ कमियाँ संज्ञान में आई हैं वो ठीक हो जाएंगी। जैसे कई कई जगहों पर टॉयलेट्स की कमी है, वो आवश्यक है, वो होना चाहिए। यहाँ पर किचन और लॉन्ड्री की सुविधा नहीं है, खाली छोटे छोटे हर फ्लोर पे छोटा छोटा एक रूम है जिसमें कॉफ़ी चाय हो सकती है, लेकिन मरीजों के खाना बनाने की व्यवस्था, मरीजों के घूमने की व्यवस्था के लिए बात करनी है कि वहाँ पर बनाया जा सकता है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के लिए इन्होंने लगा रखा है, अभी काफ़ी जो चीज़ें होनी हैं गेट से लेकर रंगाई पुताई और नई चीज़ें बनने के लिए। संभवतः बैठ के बात करेंगे तो महीना डेढ़ महीना भी ये करनी है।